तो कल जो श्लोक प्रमाण दिए थे कि अष्टाशीति सहस्राणि यदीनां मूर्धरे तसाम स्मृतम स्थानं तु यत्तेषाम तदेव गुरुवासिनाम स्मृतम तेषां तु यस्थानं स्मृतम तद्वै वनौकसाम। तीन पादों में है अष्टाशीति सहस्राणि को 80,000 वर्ष तक यति नाम ऊर्ध्वरेत साम जो ऊर्ध्वरेत यति लोग है उन्हें जो स्थान की प्राप्ति होती है तदेव गुरुवासिना वही नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को भी प्राप्त होता है। और जो यह इन लोगों के लिए स्मृत है वही वनौकसाम वानप्रस्थियों को भी प्राप्त होता है ऐसे कह दिया। इत्यादि पुराण स्मृति श्रुति मूल होने से प्रामाण्यात नैष्ठिक ब्रह्मचारी नाम ऊर्ध्वरेत साम आदित्य संबंधिना उत्तरायणेन उपलक्षितो देवयाख्य मार्ग यावदा प्रसिद्ध तस्मात् तेषाम् अरण्यवासिभिः सह अखंडित ब्रह्मचर्येणैव अर्चिरादिगति लाभात् न पंचांग वित्तेन प्रयोजन विधि पारिशिष्य सिद्धिः। इसे उनको भी पंचांग विद्या कोई जरूरत नहीं है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग है या सोन ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग है ना, ऐसे जितने भी हैं इन लोगों को पंचांग विद्या की अपेक्षा के बिना ही उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होती है। और जो गृहस्थ होते हुए सपत्नी जो व्यक्ति होगा और कर्मकांडी है जो, वह पंचांग विद्या के बिना उत्तरायण मार्ग के अधिकारी नहीं हो सकता। इस पर पूर्व पक्षी आशंकाएं करेगा और शास्त्रार्थ आरंभ होता है। ननु ऊर्ध्वरेतस्तम चेत उत्तर मार्ग प्रतिविधि कारणम पुराण स्मृति प्रामाण्यात इष्यते वित्तम अनर्थकम प्राप्त। ये जो आपका विशेषण है इतम वित्त व्यर्थ हो जाएगा। ऊर्ध्वरेतों को उत्तर मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी हाँ, उसके प्रतिपत्ति का कारण पुराण स्मृति प्रामाण्य के आधार पर आपने कह दिया कि जब वो उन्हें भी प्राप्ति अवश्य होता है उत्तरायण मार्ग की प्रतिपत्ति का कारण जो है पंचांग विद्या से भिन्न ही है। फिर तो गृहस्थों को पंचांग विद्या तो है ही, तो विशेषण किसका व्यावर्तक कर रहा है इतम वित्तम अनर्थकम, ये विशेषण अनर्थक हो जाएगा। शंका का आशय टीका बता देखिए किम नैष्ठिका नाम ब्रह्मचारी नाम उत्तर मार्ग प्रति संभव अस्ति नवा। विचार यह है यहाँ तात्पर्य इसका शंका का वास्तव में क्या नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। आद्य अनर्थकम इत्थम वित्तम प्राप्तम, यदि प्राप्ति हो जाए फिर इत्थम वित्त विशेषण प्राप्त हो जाए इति श्रुति विरोध है, विरोध हो जाएगा श्रुति के साथ विरोध होगा। और नहीं प्राप्त होते कहते हो फिर तो पारिशेषिक जो असिद्धि दोष थे हमने दिया था पहले वो तदवस्थ हो जाएगा, यदि शंका का तात्पर्य है। तब हम वहां भी पूछना चाहेंगे क्या आप कहना चाहते हो इत्थम वित्त जो विशेषण है क्या नैष्ठिकान प्रति अनर्थकम इत्युच्यते, किं वा सर्वानेव प्रति ये सभी के प्रति गृहस्थों के प्रति भी व्यर्थ ही है ये कहना चाहते हो। उसे पहला में तो नैष्ठिकों के प्रति इत्थम वित्त विशेषण है ही नहीं इसलिए वहां व्यर्थ ही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पहला पक्ष स्वीकार्य है नैष्ठिकों के प्रति इत्थम वित्त विशेषण की अपेक्षा नहीं है। लेकिन सभी के प्रति नहीं है ये नहीं कह सकते, कुछ गृहस्थों में ही व्यावर्तन करने के लिए, गृहस्थों में दो प्रकार के हैं एक इत्थम वित्त गृहस्थ है और एक अनित्थम वित्त गृहस्थ है, जो पंचांग की विद्याओं को जानने वाले गृहस्थ है और जो इसको न जान करके केवल कर्मादि करने वाले गृहस्थ है, उनमें से किसको उत्तरायण मार्ग मिलेगा कहते जो पंचांग विद्या विशिष्ट होकर के कर्माकांड करता हुआ विद्यमान गृहस्थ को ही मिलता है। यह बात बोध कराने के लिए गृहस्थों के अंतर्गत इतर व्यावर्तन हेतु तो विशेषण गृहस्थों का ही केवल होगा, अन्य आश्रमों के लिए विशेषण की अपेक्षा नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने कहा न गृहस्थान प्रति अर्थवत्पाद, गृहस्थों के प्रति यह प्रयोजन वाला है। कैसे ये गृहस्थानित्थम विदाह तेषां स्वभावत दक्षिण भ्रमादिपंता प्रसिद्धः, जो गृहस्थ अनित्थमित्य अर्थे पंचाग्नि विद्या को नहीं जानते न उपासना कर रहे हैं ऐसे जो लोग है तेषां उनको तो स्वभाव से ही दक्षिणायन मार्ग की प्राप्ति होगी, यह बात अत्यंत
प्रसिद्ध है। और अतएव तेषां च मध्ये इन गृहस्थों के बीच में यह इत्तमिदो माने ये इत्तमिदो जो गृहस्थ इस प्रकार पंचांग विद्या के वेत्ता हैं उपासक हैं सगुणम व अन्यत ब्रह्मविदः चाहे वो न भी हो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अन्यों के लिए कौन नैष्ठ ब्रह्मचारी वानप्रस्थि और सन्यासी परिव्राजक जो हैं जो क्या है वो भी जरूरी नहीं पंचांग विद्या करें बिना पंचांग विद्या कैसे ले सगुण ब्रह्म की उपासना करो। गृहस्थ भी कोई जरूरी नहीं गृहस्थ होते हुए ये नहीं कि पंचांग विद्या जानने वाले गृहस्थ को ही उत्तरायण मार्ग है ऐसा नहीं पंचांग विद्या वाले को गृहस्थ को तो मिलेगा साथ साथ सगुण ब्रह्म उपासना करने वाले गृहस्थों को भी मिलेगा नैष्ठिक ब्रह्मचारीवत परिव्राजकवत वानप्रस्थवत उन लोगों के जैसे है उन गृहस्थ लोग जो पंचांग विद्या को नहीं जानते हैं किंतु सगुण ब्रह्म हिरण्यगर्भ आदि की उपासना कर रहे हैं तो उन्हें भी उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति जरूर होगी जैसे पहले कह चुके हाँ उसके महिमा गाते हुए गाना चाहे उसके अंत्येष्टि संस्कार कोई करे चाहे न करे तो भी जो है उत्तरायण मार्ग प्राप्त हो जाएगा ऐसे हिरण्यगर्भ उपासना प्रकरण में आया हुआ इसलिए भाष्यकार ने कह दिया सगुणम व अन्यत ब्रह्म माने अन्यत माने इत्थम जो विद्य था अर्थात जो सगुण का पंचांग विद्या थी इससे जो भिन्न सगुण ब्रह्म को जान रहा है अन्यत सगुणम ब्रह्म विदु अन्यत ब्रह्म नहीं कर देना उसको ओ एक खट्टा इन्होंने छाप दिया अन्यत सगुणम का विशेषण अन्यत सगुणम ब्रह्म विदुर्वा से क्या प्रमाण है अत यदुचैव अस्मिन् छव्यं कर्म कुर्वन्ति यदि नार्किशमेव कदे अथवा यत् उ च एव अस्मिन् इसके मरने के बाद शव्यं कर्म कुर्वन्ति यदि न चाहे उसके शव्य कर्म कोई करें चाहे न करें तो भी अर्चिशमेव अभियन्ति ऐसे पहले कहा है वो अर्च मर को ही प्राप्त करता है यदि लिंगात यह श्रुति प्रमाण होने से उत्तीर्ण गच्छन्ति वे लोग सब के सब वो सारे गृहस्थ चाहे वो पंचांग विद्या वाले हों चाहे सगुण ब्रह्म विद्या वाले हों वे सब के सब जरूर नैष्ठिक वानप्रस्थ और ब्रह्म सन्यासियों के समान वे उत्तरायण मार्ग को प्राप्त कर देते हैं। जैसे नीचे स्पष्ट कर दिया तेषां एव गृहस्थानां मध्ये आंधी तीसरी एक केचित उक्तेन प्रकारेण जो कोई भी लोग प्रकारेण इत्तम पंचाग्नि दर्शन विधु पंचाग्नि दर्शन पंचाग्नि विद्या पंचाग्नि उपासना को जानते करते हैं और अग्निभ्यो अन्यद्वा सगुणम ब्रह्म देखो अनुभव कर दिया अग्निभ्यो अन्यद्वा नहीं तो अन्यत ब्रह्म करके जो दूसरा ब्रह्म करके नहीं लेना कहीं गड़बड़ अर्थ हो जाएगा ना वहां इसलिए हम जान के दिखा रहे हैं अग्निभ्यो अन्यद्वा सगुणम ब्रह्म ऐसा ही अनुभव करना पड़ेगा विदुहु ते देवयानेन उत्तीर्ण पथा गच्छन्ति ऐसा पूर्वाग्रह कर देना है। अच्छा ननु पूर्व पक्षी कहता ऊर्ध्वरेतसां गृहस्थानां च समान आश्रमित्वम् जो ऊर्ध्वरेत हैं और गृहस्थ हैं ये दोनों तो समान आश्रमी हैं ऊर्ध्वरेतसां एव उत्तीर्ण पथा गमन न गृहस्थानां इति न युक्तम् अरण्योत्रादि दैवी वैदिक कर्म बाहुल्य च सति अधिक से अधिक फल होना चाहिए उल्टा कम फल ऐसा हो गया है तो बड़ा कर्म कांड में लगा हुआ है माने उस उन ग्रस्तों को ले रहे हैं जो केवल कर्मी उपासक नहीं शंका करने वाला कह रहा है ये केवल कर्मी की अपेक्षा से जो है आप ऊर्ध्वरेत को अधिक फल कैसे बता दे उत्तरायण मार्ग बता दिए और केवल कर्मी को बोले दक्षिणायन मार्ग मिलेगा ये तो उचित नहीं है क्योंकि ऊर्ध्वरेत जैसे ऊर्ध्वरेत कहां रहते हैं ये लोग भी आश्रम में ही रहते हैं गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं वहां रहते ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं सब कुछ पालन कर रहे हैं विवाह आदि नहीं करते माता पिता की सेवा में लगे हैं अनेक प्रकार से रह सकते ऊर्ध्वरेत को कोई जरूरी नहीं कि वहां गुरुकुल में भी रह सकते हैं वहां भी रह सकते हैं इसे यहाँ ऊर्ध्वरेत को अलग कर रहे हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी से इससे लगता है वो उन लोगों को लेना है जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं और विवाह आदि से रहित होकर के केवल माता पिता आदि का सेवा करता हुआ अखंड ब्रह्मचारी वाजपेयीवत नहीं अरे देश सेवा में लगे हुए हैं तो इस प्रकार की जो लोग होते हैं तो गृहस्थ आश्रम में ही हो भी गृहस्थ आश्रम का तात्पर्य वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी नहीं गुरुकुल में भी नहीं रह रहे और वनवास में भी चले नहीं आए वानप्रस्थ तो कर ही नहीं सकते वानप्रस्थ तो वो करेगा ना जो गृहस्थ होगा सन्यास और जिन्हें शादी कर लिया हुआ वही वानप्रस्थ का अधिकारी होता है यहाँ तो सन्यासी होना चाहिए वो भी नहीं है वो ऐसे को यहाँ केवल ऊर्ध्व शब्द से ले रहे हैं इसलिए पूर्व पक्षी आशंका हो रहा है
ಊರ್ಧ್ವರೇತಸಾಂ ಗೃಹಸ್ಥಾನಾಂಚ ಸಮಾನ ಆಶ್ರಮಿತ್ವ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸಾಂ ಏವೋತ್ರೇಣ ಪಥಾಸ ಗಮನ ನ ಗೃಹಸ್ಥಾನಾಮಿತಿ ನ ಯುಕ್ತ ಮಯಸಕನ ಉಚಿತನೆ ಕ್ಯೋ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮ ಬಾಹುಳ್ಯ ಚಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮ ಬಹುತ್ ಕರ ರಾ ಹೋ ಯೇ ತು ಕುಛ ಕರ್ ಭೀ ನೀ ರಾ ಯೇ ಉಸ್ಕೋ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಅಧಿಕಾರ ಭೀ ನೀ ತೋ ಶಾದಿ ನೀ ಕಿಯಾ ನಾ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಪತ್ನಿ ಹೈ ನೀ ಬಚ್ಚೆ ಹೈ ನೀ ತೋ ಕಹಾಂ ಸೇ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಕರೇಗಾ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮ ಕೇ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀ ಕೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇ ರೇಗಾ ಥೋಡಾ ಬಹುತ್ ನಿತ್ಯ ಹೋಮ ವಗೈರಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಪೂಜಾ ಪಾಠ ಕರ್ ರಾ ಹೈ ತೋ ಐಸಾ ಕಮ್ ಕರ್ಮ ಕರ್ ರಾ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಕೋ ಆಪನೇ ಕಹ ದಿಯಾ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾರ ದುನಿಯಾ ಭರ ಜಿಮ್ಮೇದಾರಿ ಲೇಕರ್ ಕೇ ಸಾರಾ ಸಂಸಾರ ಕೋ ಪಾಲನೆ ಮೇ ಲಗಾ ಹುವಾ ಆದಮಿ ಔರ್ ಉಸ್ಕೋ ಬಹುತ್ ಕಮ್ ಫಲ ದೇಗೇ ತನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರ್ ಸೇ ಡಾಲ್ ದಿಯಾ ಉಸ್ಕೋ ಇ ತೋ ಉಚಿತ ನೀ ಹೈ ಚೇತ್ ನೈ ದೋಷ ಅಪೂತಾ ಹಿತೆ ಅರೆ ಜಾ ಭಲೇ ಬಹುತ್ ಕರ್ ರೇ ಲೇಕಿನ ಆಪ ಪವಿತ್ರ ಹೀ ರಹತೆ ಹೀ ಹೈ ಕಹತೆ ಐಸೆ ಕೈಸೆ ತೋ ನಹಾತೆ ಧೋತೆ ಶುದ್ಧ ರಹತೆ ಅಬ ಐಸೆ ಕೈಸೆ ಕಹತೆ ಹೋ ಅಬ ಅಪವಿತ್ರ ರಹತೆ ಕಹತೆ ಆಪ ಪವಿತ್ರ ನಹಾನೆ ಧೋನೆ ಕಪಡಾ ಪಹನೆ ಸೇ ಮತಲಬ್ ನಹೀ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಅಂತಃಕರಣ ಅಶುದ್ಧ ಹೀ ರಹ ಸಕಾ ರಹೇಗಾ ಕಭಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕತೆ ಹೋ ಕ್ಯೋ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಸಂಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತೋ ಹಿ ತೇಷಾಂ ರಾಗ ದ್ವೇಷೌ ಉನ್ಕೆ ಯಾ ಕೋಯಿ ನ ಕೋಯಿ ಶತ್ರು ಹೋತಾ ಹೈ ಕೋಯಿ ಮಿತ್ರ ಹೋತಾ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಕೆ ತನ್ ನಿಮಿತ್ತ ಕೋ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಉನ್ಕೆ ಅಂದರ್ ರಾಗ ಔರ್ ದ್ವೇಷ ಹೋತೆ ರಹೇಗಾ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತ ಇಸ್ತು ಕಾಹೆ ಊರ್ ಗ್ರಹ ಕರ್ಮ ಕೆ ಲಿಯೆ ತೋ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತ ಹೋನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ ಅಬ ಯಾ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಾನ್ ಹೈ ತೋ ಯೇ ಕೈಸಾ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾರ್ಗ ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ತಥಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಹಿಂಸಾನುಗ್ರಹ ನಿಮಿತ್ತ ಉಚ ಔರ್ ಉಸಿ ಕೆ ಅಧೀನ ಹೋ ಕರೇಗೆ ವೋ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಭೀ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಹಿಂಸಾ ಅನುಗ್ರಹ ಭೀ ಕರ್ನೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಯೇ ಶತ್ರುವೋ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಿಂಸಾ ಕರ್ನೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ವೋ ಅಧರ್ಮ ಹೋ ಗಯಾ ಮಿತ್ರೋ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಉಸೇ ಧರ್ಮ ಕರ್ನೆ ಲಗಾ ಔರ್ ಕೈ ಬಾರ್ ಜಹಾ ಪರ್ ಅಧರ್ಮ ಮಿತ್ರ ಕೋ ಸಾಥ್ ದೇನಾ ಭೀ ಅಧರ್ಮ ಹೋತಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ವಹಾ ಸಾಥ್ ದೇತೆ ಕ್ಯೋ ಮಿತ್ರ ಹೋತಾ ಮಿತ್ರ ಗಲತ್ ಹೈ ವೋ ಗಲತ್ ಕಾಮ ಕಿಯಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಆಪ್ ಕಾ ಸಾಥ್ ದೋಗೆ ಬಲ್ಕಿ ಉಸ್ಕೋ ಸಮಝಾನಾ ಚಾಹಿಯೇ ತುಮ್ ಗಲತ್ ಕಿಯೆ ಹೋ ಇಸೆ ತುಮ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರೋ ನಾ ಅಪನಿ ಗಲ್ತಿ ಭಲೇ ದಂಡ ಹಮ ದೋನೋ ಭುಕ್ತ ಲೇಂಗೇ ಚಲೋ ಹಮ ತೋ ಮಿತ್ರ ಮೇ ಸಾಥ್ ದೇ ಸಕತೆ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಏಕ್ ಕಹೋ ಕಿ ಝೂಠ ಬೋಲ್ನಾ ಪಡೆ ಅಗೇ ನಹೀ ಹಮಾರೇ ಮಿತ್ರ ಐಸಾ ಹೈ ನಹೀ ಉಸ್ನೆ ಗಲತ್ ಕಿಯಾ ಹೀ ನಹೀ ಹೈ ಝೂಟ ಬೋಲ್ ಕೆ ಉಸ್ಕೋ ಬಚಾವೋಗೆ ಇದು ಬಹುತ್ ಗಲತ್ ಬಾತ್ ಇಸ್ ತರೀಕೆ ಜೊ ಹೈ ನಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಕಾ ವಿವೇಕ ಹೀ ನಹೀ ಹೋ ಪಾತಾ ಐಸಿ ಮೋಹ ಮಮತಾ ಬನ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಅಪನಾ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಆದಿ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಕಾ ವಿವೇಕ ನಹೀ ಹೋ ಪಾತಾ ಹಮ ಗಲತ್ ಕರ್ ರಹೇ ಕಿ ಸಹಿ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ವಿವೇಚನ ಹೀ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕತಾ ಅತೀವ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪ ಸೇ ಉಸ್ಕೇ ದ್ವಾರಾ ಹಮೇಶಾ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೋತೇ ಹೀ ರಹೇಗಾ ಹಿಂಸಾ ಅನೃತ ಮಾಯಾ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಚ ಬಹು ಅಶುದ್ಧಿ ಕಾರಣ ಅಪರಿಹಾರ್ಯಂ ತೇಷಾ ಗೃಹಸ್ಥರ ಈ ಅಪರಿಹಾರ್ಯ ಕೋಯ್ ರಾಸ್ತಾ ನೀ ಬಚನೆಗಾ ಉನ್ನೇ ಝೂಠ ಬೋಲ್ನಾ ಪಡೆಗಾ ಕಾಯಾ ವಾಚಾ ಮನಸ ಹಿಂಸಾ ಕರತೆ ಹೇ ವೋ ಕಪಡಾ ಛಲ್ ಕಪಟ ಭೀ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ ಮಾಯಾ ಅಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆದಿ ಕರತೆ ಪಡ ಜಾತಾ ಹೈ ಬಹು ಅಶುದ್ಧಿ ಕಾರಣ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಅಶುದ್ಧಿ ಕಾರಣ ಹೇ ಜೋ ಕಿ ಕಹಾ ಕಿ ಭಾಯಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ ಕರ ಲಿಯಾ ಜಾಯ್ ಕಹತೆ ನಹೀ ನಹೀ ವೋ ಪರಿಹಾರ್ಯ ಹಮ್ ಪರಿಹಾರ ಹೀ ನಹೀ ಉಸ್ಕಾ ಐಸೆ ಕಾಮ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಅತೋ ಅಪೂತಾಹ ಇಸ್ಲಿ ವೇ ಅಪವಿತ್ರ ಕಹೆ ಗಯೆ ಹೈ ಅಪೂತತ್ವಾದೇವ ನೋತ್ರೇಣ ಪಥಾ ಗಮನಂ ಅಪೂತ ಹೋನೆ ಕೆ ನಾತೆ ಹೀ ಅಪೂತನೆ ಪೂತನೆ ಪುತ್ರನೆ ಸಮಜನಾ ಸಪೂತ ನ ಕುಪೂತ ಬೋಲ್ದೆ ನ ವೈಸೆ ಈ ಅಪೂತ ಅಪವಿತ್ರ ಅಪವಿತ್ರ ಹೋನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಸೇ ಪುತ್ರಾಣ ಮಾರ್ಗ ಸೇ ವೋ ನಹೀ ಜಾಯೇಗಾ ಹಮ್ನೆ ಐಸೆ ಸುನಾ ಹೈ ಬುದ್ಧಿ ಭಾಷೆ ಪಡಾತೆ ಹುವೆ ಬೋಲ್ ರಹಾ ಥಾ ಅಪೂತ ಪೂತೋ ಭವತಿ ಆಯಾ ಹೈ ನಾ ಕೈ ಜಗ ಆಯಾ ಹೈ ಅಪೂತ ಪೂತೋ ಭವತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕರ್ ದಿಯಾ ಜೊ ಅಪುತ್ರ ವಾಲಾ ಹೋತಾ ಹೈ ವೋ ಪುತ್ರವಾನ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ ಐಸಾ ಅರ್ಥ ಹಾಸ್ಯ ಅರ್ಥ ಕರ್ ದಿಯಾ ಮೈ ಪೂಛಾ ಬಾದ್ ಮೇ ಆರಾಮ್ ಸೇ ಉನ್ಸೆ ಭೈ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಪ್ನೆ ತೋ ಕಹ ದಿಯಾ ಜೊ ಅಪುತ್ರ ವಾಲಾ ಪುತ್ರ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಕಿಸ್ ಶಬ್ದ ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪ್ನೆ ಕಿಯಾ ಥಾ ಉನ್ನೆ ಕಿ ಅಪೂತೋ ಅಪೂತೋ ಭವತಿ ಕಾ ಹೈ ನಾ ಇಸಿ ಕಾ ಐಸೆ ಕೈಸೆ ಅರ್ಥ ಕರ್ದೆ ಅರೆ ಪೂತ್ ಮೇರೆ ಪುತ್ರ ನಹೀ 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 ಐಸೆ ನಹೀ ಹೈ ಯಹಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೇ ಹೈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಹೈ ಅಪೂತ ಯಹಾಂ ಪೂತ ಮೇರೆ ಪವಿತ್ರತಾ ಹೈ ವಹೀ ಪವನೆ ದಾಸ್ ಸೇ ಬನಾ ಹೈ ತಬ ನೆ ಸಮಝಾ ಕಿ ತಾ ಐಸಾ ಭೀ ಹೋತಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಪೂತ ಮೈನೆ ಕಹಾ ಹಾಂ ಇಸೆ ತೋ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಗುರು ಮುಖ ಸೇ ಪಢಾ ಕರೋ ಐಸೆ ಉಲ್ಟಾ ಉಲ್ಟಾ ಭಾಷಣ ದೇತೆ ರಹತೆ ಹೋ ಕಥಾಕಾರ ಬನ್ ಜಾತೆ ಹೋ ಐಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಾ ಅಭಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕರ್ ರಾ ವೇದಾಂತ ಹೈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೇ ಔರ್ ಕಹಾ ಕಿ ವೇದಾಂತೋ ಮೇ ವಿಶೇಷ ಬೃದಾಂಡಕ ಪರಿಷದೋ ಮೇ ಉಪಾಸನಾ ಪರ್ ವಿವೇಚನ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಉಸ್ನೆ ವಿಷಯ ಲೇ ಲಿಯಾ ಮೈನೆ ಉಸ್ಸೆ ಪೂಛಾ ಆಪ್ ಉಪಾಸನಾ ಪರ್ ವಿವೇಚನ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಚಲೇ ಹೋ ಬೃದಾಂಡ ಮೇ ಕಿತನಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಉಪಾಸನೆ ಕೌನ್ಸಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಕೈಸೆ ಹೈ ಸಬ್ ಉಸ್ನೆ
वो तो होते हैं ना वहाँ गाइड जो होते हैं, वो पहले जब चयन होता है पीएचडी की स्वीकृति करते उसी समय इंटरव्यू में विषय दे दिया जाता है, वो बना के देते हैं पहले से, ये तुमको पसंद है ये ले लो, कौन सी तुमको इच्छा है, कौन सी तुम कर सकते हो, तो ले तो लिया और उसे पता ही नहीं है कुछ भी नहीं, कितने प्रकार के उपासक जानते हैं, हमने सुना है अहम और प्रतीक दो ही जानते हैं, और कुछ पता ही नहीं, कर्माबद्ध कर्मानावबद्ध होता है कि नहीं, सोन ब्रह्मोपास निर्गुण ब्रह्मोपास अलग होते हैं, सालम निरालम अलग होता है, प्रतीक संपत्त अलग होता है, इसमें किसको अहम में अहम ग्रह उपासना किसको किसमें रखना है कैसे करना है, महाराज आप हमें लिखा दो, निकल जाओ अपने गाइड से पूछो, गाइड किसने बना रखे हो, 25,000 तो उसको देना पड़ता है, उससे पहले पूछना लिखवा लेना सब बारे में। तो ऐसे लोग पीएचडी कर रहे वेदांत पर, उन्हें कुछ भी पता नहीं, उपासना का पता नहीं, ये स्थिति है, इसलिए इन चीजों को ध्यान देना पड़ता है। हिंसा अनृत माया अब्रह्मचर्य आदि परिहाराच्छा शुद्धात्मा ही इतरे इतरे बने, और जो ऊर्ध्व रेत वाले लोग हैं वो लोग कैसे हैं, हिंसा अनृत माया अब्रह्मचार्य आदि से परिहार प्राप्त कर चुके हैं एक तरह से, क्यों वो गलती में गए ही नहीं, वो जमेला में पड़े नहीं, कीचड़ में पड़ देता ना पैर धोना पड़ेगा, प्रंख्या पंग वो है ना प्रक्षालनाद्धि पंग से धूरा स्पर्शन वरम वाली बात है, वो तो कीचड़ में पैर रखो फिर धो, उस मूर्खता से अच्छा है कीचड़ में पैर मत डालो, उसे इसलिए गृहस्थी में गया ही नहीं, इसलिए हिंसा आदि का स्वतः ही परिहार हो गया है, इसे शुद्ध अंतकरण वाले हैं कौन, इतरे शत्रु मित्र राग द्वेष आदि परिहार अच्छा, क्यों, क्योंकि शत्रु मित्र आदि के वो लेकर के राग द्वेष आदि का परिहार हो चुका है, अति विरजसा तेषां युक्त उत्तर पुंतः, इसलिए रजगुण की प्रवृत्ति का अवसर ही नहीं रह गया, तमोगुण का तो कहां से कह मृत्यु न्याय से खंडन कर दिया, तमोगुण का आने का अवसर ही नहीं है, केवल सतगुण प्रदान होकर के शुद्ध अंतकरण वाले होते हैं, अति उनको उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होती है, कहना युक्त युक्त ही है, तथा च पौराणिका, इससे पौराणिक लोगों ने स्पष्ट शब्द में कहा है, ये प्रजाम ईशिरे अधीरास ते श्मशानानि भेजिरे, ये प्रजाम नेशिरे धीरास ते अमृतत्वमि भेजिरे इत्याहु, ये प्रजाम ईशिरे, जो लोग प्रजाओं को प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रजा की प्रजापादन में अभिरत रहते हैं, वे लोग अधीर पुरुष लोग है, धैर्यहीन होने के नाते वे अंत में कहाँ पहुंचेंगे, स्मशान घाट पहुंच जाएंगे, मौत तो सबकी होती है, उनका कहने का तात्पर्य है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्र में सदा ही उनका क्या है, यहाँ से स्वर्ग स्वर्ग से यहाँ ये चक्कर चलते हैं, ये प्रजा नेशिरे, जो प्रजा उत्पत्ति के प्रति इच्छा ही नहीं रखते हैं, ऐसे जो धीर पुरुष है ये अमृतत्व भी भेज रहे, वे अवश्य अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, मोक्ष यानी यहाँ पर क्रम मुक्ति का तात्पर्य कहेंगे, अभी उस पर विचार होगा, है केवल आपके 20 उम्र से लेकर के 40-45 ज्यादा 50 उम्र तक क्या खान पीन उसका खराब रहेगा, तो भी 50 उम्र से आगे क्या उसके जो इंद्रिया सताएंगे, बाद में इंद्रिया नहीं सता पाते, 20 से 50 थोड़ा धैर्य रखे रहे, 30 साल पार कर गए तो पार कर गए, बाद में इतना कोई खास परेशानी नहीं है, ऐसे ऐसे देखा धीर है 42 उम्र में जाके शादी कर गए, ओम बाबा नाम उनको, ओम बाबा नाम रख दिया, सन्यासी हो गए हैं, ओम भवानंद महाराज, 42 उम्र में शादी किए, एक रिटायर्ड कोई हेडमिस्ट्रेस थी उससे, फिर उसके बाद वो भी छोड़ दी, बच्चे भी सब छोड़ छाड़ के बाबा बन के बैठे हैं, वो तो कितने उम्र में जाकर उनको सताया, सोचते रहे कि हम नहीं करेंगे, नहीं मैं अच्छा हुआ पहले माता नहीं बने थे, बिचारी बन के रहते रहे, तो वो सुना रहे थे हमको अनुभव अपना बता रहे, जिसे हम तो समझते हैं 20 से 50 तक जो बच गया, हम तो समझते हैं कि जन्म से मन तक जो बच गया सो बच गया, तुमने तो संकोच कर दिया, कृपा पात्र कृपा कर दी तो अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं जितना कहते हैं कि ना जितना आम पकता है बढ़िया उतनी मीठा होता है, इतना ही बूढ़ा होता है उतना ही जो काम वासना बढ़ती जाती है, इंद्रिय बड़े साथ दे न दे वासना तो बढ़ती ही जाती है, और कुछ नहीं तो स्पर्शानंद लेने को चल जाता है,
नहीं प्रसादम, हाँ बहुत अच्छा देती है, बहुत अच्छा देती है, पीठ पर हाथ फेर के अपना आनंद ले लेते हैं। कहाँ जाएगा वो वासना संस्कार, बड़ा मुश्किल नहीं। तीसरे हमने उनको कहा कि आप भले बोल रहे हो 20 से 50, हमारे हिसाब से तो जो है जीने से मरने तक का पूरा समय खतरे का समय, पूरा समय धैर्य रखना चाहिए, वही धीर पुरुष होता है। इत्थम विदाम गृहस्था नाम अरण्यवासिनां च समान मार्गत्वे अमृतत्व फले च सती अरण्यवासिनां विद्या अनर्थत्वं प्राप्तम्। गुरुपक्षी कहता है यदि आप कहते हो इत्थम विद गृहस्थ और अरण्यवासी दोनों का समान मार्ग आपने बता दिया है ना, और अमृतत्व फल भी बराबर, तो अरण्यवासियों के प्रति विद्या की अनर्थता हो जाएगी, फिर तो श्रुति के साथ विरोध होगा, तथा श्रुति विरोध न तत्र दक्षिणायन्ति ना विद्वांस तपस्विनः इति सयेनम अविदितो न भुनक्ति। देखो परस्पर विरोध हो जाएगा, एक तरफ कहता है न तत्र दक्षिणायन्ति न अविद्वांस तपस्विनः इति, अविद्वान होता हुआ जो तपस्वी है अविद्वान, न अविद्वांस माने विद्वांसन एव तपस्वी चेत दक्षिण मार्गो नहीं अंति, दक्षिणायन मार्ग को नहीं प्राप्त होता है। इधर से विद्या को कथन किया माने विद्वान होना जरूरी है, अर्थात पंचांग विद्या से भी जरूरी है, एक तरफ और दूसरे कहते हैं अविदितो न भुनक्ति स एनम, और परमात्मा भी उस अविदित की कभी रक्षा नहीं करते, पालन नहीं करते, अर्थात अमृत तो प्राप्त नहीं हो सकता, विरुद्धम वर्ष विरोध हो जाएगा। टीका कर देखिए आश्रम धर्म मात्रेण उत्तरम मार्ग द्वारे अमृतत्वम ऊर्ध्वरेतसाम उक्तम। आपने कहा कि भाई विद्या के बिना भी केवल आश्रम धर्म का पालन करने मात्र से उस ऊर्ध्वरेत को उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति अमृतत्व प्राप्ति होती है, विद्या की कोई जरूरत नहीं है। और ये विद्या का विशेषण था वो गृहस्थों के अंतर ही जो अविद्वान जो दक्षिण मार्ग का ग्रस्त अधिकारी ग्रस्त है उसे आवर्तन करने के लिए है, ऐसे आपने अभी अभी निश्चय दिया है। उस पर शंका पूर्व पक्ष कहता है ये ठीक नहीं है, क्यों तेषां विद्या अनर्थत्वम् इष्टमेव इत्याशंका, यदि कोई कहता है ठीक है अरण्यवासियों के प्रति ऊर्ध्वरेतादियों के प्रति तो विद्या की पंचायन विद्या व्यर्थ ही है, तो ऐसा यदि ये व्यर्थ है वो इष्ट ही है, ऐसे कोई दोष नहीं है, तब पूर्व पक्ष नहीं दोष क्यों नहीं है, श्रुति विरोध हो जाएगा, एक तरफ विद्या की अपेक्षा कर रही है, एक तरफ विद्या के बिना काम ही नहीं होगा बोल रही है। स देखो व्याख्या कर रहे हो स एनम अविदितो न भुनक्ति की, स माने परमात्मा स्वयं अज्ञात सन, स्वयं कैसा है परमात्मा, उस साधक को उस अधिकारी को ज्ञात नहीं, वो अधिकारी उस परमात्मा का भी जानता नहीं है, अज्ञात सन एनम अधिकारी, फिर भी वो अपने उस अधिकारी भूता व्यक्ति को अपवर्ग प्रदान न पाल यदि अपवर्ग प्रदान के द्वारा पालन नहीं करता। इति च वाक्यम विद्या मंत्रण अमृतत्वम भूरोतो वृद्धम, विद्या के बिना अमृतत्व आप यदि कहते हो, ये दो मंत्र ऐसे हैं जहाँ स्पष्ट कहते हैं विद्या के बिना अमृतत्व प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हम उस ब्रह्म को नहीं जानेंगे तो वह ब्रह्म हमको मोक्ष लेकर पालन नहीं करता, ऐसे स्पष्ट कह रहा है, विद्या की जरूरत है। पर आपने कैसे कह दिया ऊर्ध्वरेतों को विद्या के बिना स्वाश्रम धर्म पालन मात्र से ही ऊर्ध्वरेत वानप्रस्थी हो गए, और उन लोगों मैंने उनको जरूरत है प्रजा परिव्राजकों को भी हा? इन लोगों को पंचांग विद्या के बिना स्वाश्रम धर्म का पालन करते हैं रहने मात्र से उत्तरायण मार्ग से अमृत प्राप्ति होती है, ये आपको कहना उचित नहीं चेत, ऐसे पूर्व पक्ष ने शंका करा सिद्धांत कहते न। अरे ये अमृतत्व समृतत्व की बात हो रही है यहाँ, जो सा आभूत संभव स्थान से अमृतत्व व्यक्तित्व प्राप्त, अरे ये जो पुराण का आप श्लोक उठाए हो ना, यह अमृतत्व का अर्थ उसी पुराण में बोल दिया, तत्रैव उक्तम पौराणिक, जिस जगह का आप श्लोक उठा के बता रहे हो उसी जगह पर अमृतत्व की व्याख्या किया है, क्या किया आभूत संभव स्थानम अमृतत्व निभाष्य दे, ऐसे कर दिया आभूत संभव स्थान मैंने इस मनवंतर तक, केवल इस मनवंतर में ही भूतों का संप्रलय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, इस मंत्र की समाप्ति होती ही पूर्ण प्रलय, तो उसी प्रलय को लेकर के यहाँ तब तक वो रहता है। किस बात श्रुति भी प्रमाण है इमं मानवम नावर्तन्ते,
श्रुति में हमने पहले भी आपको बताया था जो ब्रह्मस्य पुनरावर्तते वहां पर तो वास्तविक मुक्ति की बात कहा जाता है। इमं मानम नावर्तन्ते यहां तात्पर्य वास्तविक मुक्ति नहीं है। ये पहले जहां जहां प्रसंग आए तो उपासना का फलक कथन काल में हम लोगों ने स्पष्ट विचार किया है या भाष्यकार भी संकेत कर रहे हैं। देखिए यच्च आत्यंतिकम अमृततम तदपेक्षया, जो आत्यंतिक अमृतत्व है ना उसकी अपेक्षा से यह गौण अमृतत्व है जो आभूत संप्लव पर्यंत नित्य स्थिरता माने जन्म मृत्यु चक्र नहीं है ना, मनु मन इस मनवंतर की परिसमाप्ति पर्यंत वो एक एक देव भाव में बना रहता है, जन्म मरण को प्राप्त नहीं करता। वह वास्तविक जो मुक्ति है उसके अपेक्षा से ये भी मुक्ति के सदृश हो गया, पुत्र से जन्म मरण प्राप्त नहीं किया, अतएव आपेक्षिक अमृतत्व का कथन किया गया है। न तत्र दक्षिणायन्ति सैनम वितो न भुनक्ति इत्याद्या श्रुतयः इत्यतो न विरोधः, ये सब श्रुतियों को आपेक्षिक अमृतत्व पर कहीं घटा लेनी चाहिए, अतएव कोई विरोध नहीं होता। कहते फिर वास्तविक मुक्ति के लिए क्या शब्दावली होती है और आपेक्षिक मुक्ति क्या क्या है, तो दोनों बदल न च पुनरावर्तन्ते, सीधा है न च पुनरावर्तन्ते अथवा न स पुनरावर्तन्ते, ऐसा अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दावली है। और सापेक्ष अमृतत्व के लिए इमं मानव आवर्तम नावर्तन्ते ऐसा है, इत्ये श्रुति विरोध यदि चेत पूर्व पक्ष है इधर दोनों श्रुतियों पर विरोध हो जाएगा जन्ना। अरे दोनों का अलग अलग ही विषय है, विरोध कहाँ है? तुमको लगता है तुम तो सब इकट्ठे कर देते हो, जहां इकट्ठे है नावर्तन्ते आगे इकट्ठा कर दिया। अरे नावर्तन्ते का विशेषण भी तो देखो, इमं यह एक और भी देंगे तेषां यह न पुनरावृत्ति, उनको यहां मान इस लोक में पुनरावृत्ति नहीं होगी ये कह रहे, अर्थात अन्य लोक में बना हुआ रहेगा मुक्त गावा यानी। तो इसलिए इमम यह इतने शब्दों को देखते हुए स्पष्ट है इन दोनों वाक्यों का परस्पर कोई विरोध नहीं हो सकता। इमम मानमिति विशेषणा तेषां यह च पुनरावृत्ति रस्ति, ये भी इसी छांदोग्य का ही अगले में आ रहा है। इति च यदि ही एकांति नैव नावर्तेरन, यदि वास्तव में आत्यंतिक मोक्ष की बात यहाँ कहना होता तो इमं मानवम यह इति च विशेषणम अनर्थकम स्यात्, इमं ये विशेषण नहीं दिए होते, यह ये विशेषण भी नहीं दिए होते, इन विशेषणों से ज्ञापन हो रहा है आत्यंतिक मुक्ति का ये प्रश्न ही प्रसंग नहीं है। अतएव दोनों विषय वाक्यों का विषय अलग हो गया, न स पुनरावृत्ति या न च पुनरावृत्ति का विषय मुख्य मुक्ति हो गया, और इमं मानव इत्यादि जो कथन करने वाले अनावृत्ति का जो कथन करते हैं ये सापेक्ष अमृतत्व का कथन कर रहे हैं। वो पूर्व पक्ष कहते हैं इमं यह इति आकृति मात्र, वो तो केवल कहने के लिए कह दिया, यहाँ नहीं आते अरे कहीं नहीं आते ऐसा अर्थ करते, यहाँ नहीं आते का मतलब कभी नहीं होता उनका जन्म ऐसा अर्थ करते, मतलब केवल आपको जो यहां से जा रहे हो यहां से मरने के बाद दोबारा यहां नहीं आएगा अर्थात हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगा ऐसा अर्थ कर देना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है इमं यह इत्यादि क्या आकृति मात्र मुच्छते न, ऐसा नहीं कहना अनावृति शब्द ही नहीं हो, नित्य अनावृत्ति आकृति कल्पना अनावृत व्यर्थ हो जाएगा, उसको विशेषण ही मानना पड़ेगा। अनावृति शब्द मात्र से नित्य अनावृत्ति रूपार्थ बोध तो हो ही रहा है, तो आकृति रूप आकृति कल्पना करना यह उचित नहीं होता। नानावृत्ति इत्यादि क्योंकि सभी तदेव व्यतिरेक मुखे न विषदेति, इसी को व्यतिरेक मुख से भी कहेंगे, क्या कहते हैं कि अत इमं यह इति च विशेषणार्थवत्व आय अन्यत्र आवृत्ति कल्पनीय, क्योंकि जो है इमं यह इत्यादि में विशेषणार्थ में विशेषणों की अर्थवत्ता को सिद्ध करने के लिए अन्यत्र आवृत्ति की परिकल्पना करनी ही होगी। न च सत एकमेव द्वितीयम् इत्यं प्रत्यवता मूर्धन्यया नाड्या अर्चितादि मार्गनिक गमनम्, और जो एकमेव द्वितीयम् की अनुभूति कर लिया उसके तो गमन ही नहीं हो सकता, अच्छा गमन अभाव वाला कौन होगा और गमन वाला कौन होगा, ये व्यवस्था तो देना पड़ेगा ना। इसे सद एकमेव द्वितीयम् इसको इनको व्यावर्तन करने के लिए कह दिया ऐसे आप नहीं कह सकते, क्योंकि गमन का प्रसंग ही नहीं। सत एकमेव द्वितीय तत्व को इति एवं प्रत्यवताम मूर्धन्य नाड्या
अर्चराज मार्गेन गमनमेव न संभवति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् न तस्य प्राणावक्रामन्ति अत्रैव समवलियन्ते इत्येष विषयेभ्यः एतादृश सैकड़ों श्रुतियां हैं जो स्पष्ट कहते हैं कि वह ब्रह्मज्ञानी का गमनागमन होता ही नहीं है। इसलिए जो उत्तरायण मार्ग से जा रहा है उसकी अनावृत्ति कथन करना है और उस अनावृत्ति कथन करने के लिए इमम और यह के विशेषण की अपेक्षा नहीं है। इसे इमम और यह विशेषण जरूर उन लोगों को लेकर के कहा जा रहा है जो यहाँ पर बार बार पुनरावृत्ति करने वाले दक्षिणायन मार्ग वाले हैं, उनकी अपेक्षा से अलग मात्र इनको किया जा रहा है। सापेक्ष मुक्ति का कथन यहाँ पर मानी जा सकती क्योंकि वास्तविक मुक्ति वाले के तो गमनागमन का विचार ही खत्म है। वहां वो इसलिए वहां जिसका गमनागमन ही नहीं है उसको एक तरह व्यावर्तन करने के लिए विशेषण देने की कोई जरूरत नहीं रह गया। तस्मात अरे इसका अर्थ हम बदल देंगे, तस्मात सर्वम अभवत इसका अर्थ बदल दो। तस्मात माने जीवा उच्च क्रमिशः प्राण न उत्क्रामंती है ना, न तस्य प्राण उत्क्रामते ना, यहाँ पर तस्य षष्ठी को पंचमी कर दिया जाएगा। पूर्वाद कर तस्मात सर्वभव तीसरे वो सर्वभाव को प्राप्त क्यों, वो यहाँ से निकल करके सर्वभाव में एक हो गया, निकला वो यहाँ से गया जा करके सभी में एकीभूत हो गया। इसलिए जीव सिर्फ जीव भाव से उत्क्रमण करने की इच्छा वाला का वह प्राण न उत्क्रामंत उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करे, वो उत्क्रमण कर गया। और पक्षी कहेगा प्राण तो उत्क्रमण नहीं किए, प्राण तो इन हो गए सब, लेकिन जीव उत्क्रमण कर गया। इसे खंडन करेंगे, बिना प्राण के जीवत्व ही नहीं हो सकता। न उत्क्रांति सहैव गच्छन्ति अथवा उत्क्रमण नहीं किया प्राण का मतलब क्या, उसके साथ ही गए ऐसा तब अयम अर्थ कल्प्यते चिन्ह, ऐसा अर्थ नहीं कर सकते। ये कल्पना करने का आधार क्या है, कांड शब्द माध्यम दिन श्रुति और कांड श्रुति में अंतर है। यदि न तस्मात प्राणोत्क्रामंती माध्यम दिन श्रुति मनुश्रुत्या, न तस्य प्राण के जगह पर माध्यम दिन श्रुति में क्या है, न तस्मात प्राण करके अनुश्रुतिया न तस्य कांड श्रुति रही दव्य। इसे न तस्य करे जो कांड श्रुति है उसको बदल दो, उसको तस्य कर तस्मात ही कर दो माध्यम दिन के अनुसार। और तस्मात कर क्या है ना, जीव भावात जीवा उत्क्रमिश प्राणा न उत्क्रामंती किंतु सहैव गच्छन्ति ऐसा। ये कल्पना करने के लिए कौन कह रहा है, पूर्व पक्ष संकते चेत न ऐसा नहीं कहना, सर्वत्रैव समर्वयन्ति इति क्यों कहा गया, सहैव गच्छन्ति यदि होता साथ में यदि जा रहे हैं वो प्राण फिर अत्रैव अत्र एव मैंने अन्यत्र गमन का अभाव को एवकार की ओर निश्चय किया। एवकार क्या है, पर इतर व्यावर्तन कर रहा है, जो अत्यंत योग प्राप्त था उसको निषेध कर रहा है। इसीलिए तो यहां पर क्या कहना पड़ेगा, इति विशेषण अनर्थक्यात्, ये विशेषण व्यर्थ हो जाएगा यदि आप जैसा अर्थ कर रहे हो प्राण उसके साथ जाते हैं ऐसा अर्थ करूंगा तो फिर व्यर्थ विशेषण हो जाएगा। सर्वे प्राण अनुत्क्रामंती जो प्राण गमन से प्राप्तत्वात्, क्योंकि अन्य जो अज्ञानियों के लिए तो स्पष्ट का है सर्वे प्राण अनुत्क्रामंती, क्योंकि जहां जहां पर प्राणोपासना प्राण में क्या है, जब प्राण उठने लगा सारे उठने लगे तो स्वतः प्राप्त है। जो स्वतः प्राप्त को ये उत्तरायण मार्ग से चलने वालों के लिए विधान करोगे, जो स्वाभाविक रूप से ना समस्त अज्ञानी जो पंचांग विद्या को जानता है नहीं जानता है, कर्मकांड भी करता है नहीं करता है, आस्तिक नास्तिक सबके लिए बराबर है, हा? जो प्राणों का जो है प्राण का उत्क्रमण जीव के उत्क्रमण करने के साथ प्राणोत्क्रमण, प्राणोत्क्रमण के साथ साथ सकल प्राणों का साथ साथ चलना, ये जो चीज है सहगमन वो तो सर्वसामान्य स्वतः सिद्ध प्रसिद्ध, उसको उत्तरायण मार्ग चलने वालों के लिए आप यदि कहने लगोगे तो व्यर्थ विशेषण तो होगा ही। तस्मात उत्क्रामंती थी अनाशंका ये वैसा, इसलिए प्राण भी साथ उत्तरण कर जाएंगे और ब्रह्मज्ञान भी उत्तरण करेगा इस तरह से, ये सब शंका करना बिल्कुल उचित ही नहीं है। ऐसा न आशंका कर्तव्या, यदा भी मोक्ष संसार गति वैलक्षण्य प्राणाम जीवेन सह आगमनम आशंक्य तस्मात नोत्क्रांति सूचित है। और यदि कोई ऐसी व्यवस्था देना चाहता है जैसे आप जो है वो लेता है दूसरे ढंग से,
पूर्व पक्षी कहता है हम जो कह रहे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, हमारे ये कहना है जागृत और स्वप्न में अलग भाव है, सुषुप्ति का अलग भाव, सुषुप्ति में अलग है जागृत स्वप्न अलग है। संसार दशा में प्राणों के साथ विज्ञान आत्मा गमन करता है, संसार दशा में प्राणों के साथ विज्ञान में जो जीवात्मा है वो चारों तरफ गमन करता रहता है। और मोक्ष नास्ति, मोक्ष काल में प्राणों के साथ प्राणानाम जीवन सह गमनम इति आशंका है, मोक्ष काल में भी प्राणों का जीव के साथ गमन की आशंका थी या नहीं है, होगी या नहीं होगी, ये आशंका हुई उसे निवारण करण न तस्मत इत्यादि वाक्य कहा गया है, ऐसा पूर्व पक्षी का आशय है। यदापि मोक्षस्य संसार गति विलक्षण, संसार दिशा में क्या है गमन है और उससे विलक्षणता कब, मोक्ष काल के अंदर है। इस बात के लिए जीवन स आगमन आशंक, यहाँ आशंका हो सकता था वे संसार काल में जिस प्रकार से जीव सहित प्राण गमन होते हैं तो मोक्ष काल में भी जाता होगा, ऐसे कोई आशंका जब करे तब निषेध किया, तस्मात भूत प्रामंती ऐसा कहा गया, नहीं 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 संसार से विलक्षणता है, संसार दिशा में तो जाता है बाकी समय जाता नहीं है। ऐसा यदि कोई व्याख्या करना चाहे अवस्था भेद को लेकर तदाप्य अत्रैव समूलियन्ते इति विशेषण अनुगतम स्यात्, उस स्थिति में भी अत्रैव समूलियन्ते ये विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। अतएव ये उचित मानना चाहिए अवस्था को लेकर के भी गमनागमन का प्रसंग यहां नहीं है, गमन और आगमन जो है ज्ञान और अज्ञान को लेकर के, और ज्ञान अज्ञान भी उपाधि का ही आधार पर निश्चित होता है। इसे कहते देखिए न च प्राणिर्वियुक्त से गति उत्पत्ति थे जीवत्व, आ गया, क्योंकि प्राण से रहित हो फिर भी उसकी गति होता हो या उसकी जीव भाव बना रहे, ये दोनों ही बात नहीं हो सकती। प्राणिर्वियुक्त से उसकी व्याख्या कर विस्तार रूप में ना, प्राणानाम अत्रैव समवलय तथापि जीव से गमनम, पूर्व पक्ष कहता ठीक है आपके अनुसार मान लेता हूं, अत्रैव समयंत के आधार पर मान लूंगा प्राण ही रह जाते हैं किंतु जीव यहां से जाता है, प्राणों को यही छोड़ करके जीव चला जाएगा, ऐसा यदि कोई कहे कति हो नहीं सकता, प्राणिर्वियुक्तस्य गतिर जीवत्वं वा न उपपद्यते, न गति हो सकती है न जीव भाव ही संभव है, क्यों सर्वगतत्वा सदात्मन निरवयवत्वा प्राण संबंध मात्र मेव ही अग्नि विस्फलिंगवत जीवत्व भेद कारणम इति अतः तद वियोगे जीवत्वं गतिर्वा न शक्या परिकल्पयितुं श्रुतेश्चेत् प्रमाणमपि, कहते हैं सर्वगतत्वा, इनकी आत्मा कैसा है सर्वगत सत्य है निरवय है, ऐसा जो चीज है प्राण संबंध मात्र को लेकर के अग्नि से निकला विस्फुलिंग के समान जीवत्व का भेद का कारण माना गया है, अतः तद वियोग अर्थात प्राण का वियोग होने पर जीवत्व गतिर्वा न शक्या परिकल्पयितुं, जीवत्व या का गति अथवा गति दोनों में से किसी चीज की अवतार परिकल्पना नहीं कर सकते। श्रुतेश्चेत् प्रमाणम, यदि आप श्रुतियों को प्रमाण मानते हैं तो अपनी कुतर्क के आधार पर चलोगे तो चलते रहो, उसको कौन जवाब दे, कहां तक जवाब दे, करते रहो अपने कुतर्क नहीं, इसलिए कहते श्रुतेश्चेत् प्रमाणम तरी परिकल्पयितुं न शक्या, पूर्व पक्षी कहते हैं ममैवांश जीवलोके बोला है ना, वो तो परमात्मा सावयव है निरवय आप कैसे कहोगे, और उसके अनुपन करके अलग अलग होते छिद्र हो पता हो जाए भगवान छेद 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 हो जाएगा, नहीं परमात्मा में बहुत छेद हो जाएंगे क्यों, उसे एक एक अणु निकलेगा ना, इसे कीचे से एक अणु निकाल देंगे तो क्या होगा छेद हो जाएगा, अवयव निकाल दो तो उस अवयव के निकालने से क्या हो जाएगा, उस अवयव में छिद्र पैदा हो जाएगा, ऐसे परमात्मा से छिद्र हो जाएगा है? सतोर अणु अवयव स्फुटित हो जीवाग्य सदरूपम छिद्री कुर्वन, तो पूर्व पक्षी कह रहा है छिद्र करते हुए वही आपत्ति नहीं बोलते छिद्र हो जाए परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता, अरे घटता बढ़ता फर्क नहीं पड़ता उसको, इतना अवयव है यार दो चार अरब निकल गए तो क्या फर्क पड़ना है, अनंत अवय वाला है ना वो तो अनंत, अनंत अवय वाला में से कितने निकले होंगे आज तक 10-20 खरब है, इसी से क्या निकलेगा, उतने निकल कोई असर करेगा क्या उसको, कोई असर नहीं करता,
जैसे समुद्र से आप जितना भी पानी निकाले जा रही है निकाले जा रहे हैं फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता, मर्यादा का भंग नहीं होता। वैसे परमात्मा अनंत वय वाला है, उसने दो चार दस बीस अरब खरब निकल भी जाए तो आपत्ति नहीं। इसे छिद्री कुर्वन गच्छति इति सत्यम कल्पयतु, ऐसा कल्पना करना उचित ही है। तस्मात् तया ऊर्ध्वं मायन अमृतत्वम् इति सगुण ब्रह्मोपासक प्राणे सन्नाढ्य गमनम सापक्षमेव च अमृतत्वम् न साक्षात् मोक्षा इति गम्यते। तब सिद्धांत कहता है ऐसा कल्पना करना न कल्पयितुं शक्यम, ऐसा कर देना न है ना। पहले सत्रुपी आत्मा का सावयव आत्मा है और अनंत अवयव वाला है, उससे अनुरूपी जीवात्मा एक अवयव स्फुटित हो गया, पर जीवात्मा स्पष्ट रूपेण अलग हो करके जीव नाम सप्रसिद्ध हुआ। ऐसा होता हुआ सद्रूपम छिद्री कुरन, उस परमात्मा के सद्रूपता में छिद्र करते हुए वो निकल गया है, अलग हो गया है, उसी की गति होती रहती है। प्राण आदि की कोई जरूरत नहीं है, प्राण आदि निरपेक्ष गति, प्राण आदि निरपेक्ष क्रिया, उस आत्मा का अवयव जो चेतन में है ऐसा मानता है पूर्व पक्षी। इति कल्पयितुं न शक्यम्, क्योंकि सिद्धांत तस्मात् इसी कारण से निर्णय लो कि क्योंकि वो निष्कलम निष्क्रियम शांतम इति श्रुति प्रमाण, निष्कल है अर्थ निराय है, निष्क्रिय है और शांत है, गति है ही नहीं वहां। तस्मात् तया ऊर्ध्वं मायन अमृतत्वम् इति, इसे तया मैंने मूर्धनिया नाड्या ऊर्ध्व लोक की ओर निकलते हुए अमृतत्व को प्राप्त करता है, इत्यादि जो वचनों का तात्पर्य किसमें जाएगा, सगुण ब्रह्मोपासको प्राणी स नाड्य गमनम सापेक्षमेव च अमृतत्वम्, प्राणों के सहित नाड़ी के द्वारा गमन और वह सापेक्ष अमृतत्व का ही विचार होना चाहिए। न साक्षात मोक्ष गम्यते, इन वाक्यों का अर्थ में साक्षात मोक्ष को निकालने के प्रयास आप न करें। तद अपराजिता पु तद इरम मदियम सरह, कहा भी है वो जो जा रहा वहां पर क्या है, तद अपराजिता पु तद इरम मदियम सरह, वहां भी भूख प्यास लगता है, लेकिन उसके ऐसा वहां बढ़िया तालाब है अधियारे अहिरम मदियम सरह, अहिरम मने जो चावल के माड़ की वहां सरोवर है, बढ़िया वो दारू बना हुआ सड़ सड़ करके उसको पिघल मस्त हो जाता है। नहीं जैसे मछुआ होते ना मछली फिशरमैन, वो क्या करते गरीब लोग कहां से दारू खरीदेंगे इतना नहीं? तो क्या करते जो चावल की माट नहीं होता है वो घड़े में भर देते, उसकी जो घर में औरत रहती है बच्चों के लिए बनाती भोजन तो रोज बाहर निकालते हैं और उसको घड़े में भर देते, एक घड़ा भर गया दो घड़ा भर गया तीन घड़ा दसों घड़ा भरते और उसको जमीन के अंदर गाड़ते जाते बना हुआ हिसाब से दवाई वो अंदर वो फर्स्ट क्लास दारू बन जाता है। और 15-20 दिन के लिए जाते हैं जब मछुआरे जाते हैं समुद्र में 20-20 दिन 25-25 दिन के लिए चले जाते हैं, वो 15 घड़ा उनको दे दिया गया है और बाकी 15 घड़े यहां हो रहा है, जब वो लौटेंगे तब तक ये तैयार हो जाए। और क्रम भी है, एक दो तीन नंबर लगा देंगे ये पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन करके भरा कब कब भरा है वो क्रम से वो पियेंगे ना बाद में, वो फिर वो आएगा वो खाली घड़ों को लाएगा ये भरे घड़ों को ले जाएगा, ये चक्र उनका चलता है। अहिरम मध्यम विलक्षण सरोवर है, कहने की यहाँ तात्पर्य उसके मांड का भरा हुआ यहाँ सड़ा गला हुआ दारू ऐसा नहीं लेना है, जैसे लोक में होता है एक उत्कृष्ट चीज है, ब्रह्म लोक में गया हुआ है वहां पर ऐसा अमृत वही कुछ सरोवर विशेष है जिसके पास जाने से उसका सुवन से उसका दर्शन से इत्यादि भूख क्या सब खत्म, इधर प्राण है वहां प्राण सहित गमन है, प्राण रहित गमन कहां है जीव कैसे इत्यादि प्रमाण है। तेषाम एव एष ब्रह्मलोक इति विशेषण इत्यादि का कथन करके का तेषाम एव तेषाम मैंने एतादृश सगुण ब्रह्मोपासक का नाम एव एष ब्रह्मलोक इति ब्रह्मलोक ऐसे वहां पर निर्णय दिया है। अतः अब वापस लौटते हैं प्रकरण में शास्त्र समाप्त किए पंचाग्रविदो गृहस्था एच इमे अरण्ये वानप्रस्थाः परिवराजकाश्च सह नैष्ठिक ब्रह्मचारिभिः, आ गया ना पूरा प्रकरण का शास्त्र का निचोड़ दे रहे हैं। जो पंचाग्निवेत्ता जो गृहस्थ है अपंचाग्निवेत्ता का तो दक्षिणायन मार्ग, इसलिए उत्तरायण मार्ग किन किन का है पंचाग्निवेत्ता गृहस्थ एक और ये चिमे अरण्य अरण्य में रहने वाले कौन से लक्षित हुआ वानप्रस्थ और परिवराजक, उनसे उपलक्ष्य कौन है नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी सह श्रद्धा तपित्यमादि उपासते, मंत्र में लौटे श्रद्धा तप उपासते, उसके लिए श्रद्धा तपित्यम आदि
ये श्रद्धा और तप दो ही नहीं। और श्रद्धा तप का तात्पर्य क्या है? श्रद्धान सन तपस्विनश्च इत्यर्थ। श्रद्धावान है वो और तपस्वी है वो। तो उपासना शब्द अर्थ मत तुमने कहां से घटा दिया? श्रद्धा उपासना श्रद्धावान सन ऐसे कैसे कर दिया? तप कर तपस्विन सन ऐसा अर्थ कहां से निकाल दिया आपने? कहते उपासना शब्द तात्पर्य अर्थ तत्परता तत्परस्य भाव तात्पर्य। मैंने श्रद्धा ही है परम लक्ष्य जिसका। तत् मैंने श्रद्धा तदेव परो यस्य परम श्रेयो यस्य इति तत्परः है ना। इस तप एव परम उत्कृष्ट साधन मोक्षार्थम इति यस्य स तत्परः तस्य भाव तात्पर्य। या तात्पर्य अर्थ कर वो नहीं लेना शब्द की तात्पर्य शब्दार्थ में बोलते हम लोग इसका तात्पर्य है। यहाँ पर वो तात्पर्य नहीं है शब्दार्थ की करते तात्पर्य की बात नहीं हो रही है। यहाँ तत्परता तत्पर संयत इंद्रिय जैसे वहां पर आया नहीं गीता श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयत इंद्रिय भाई तत्पर का तत्पर से भाव तात्पर्य तदर्थम इति तात्पर्यार्थम। उपासना शब्द को यहाँ इस विशेष अर्थ में घटाना पड़ेगा अर्थात श्रद्धा ही उन लोगों के लिए मुख्य साधन है तप ही मुख्य साधन है अर्थात अन्य विद्या विद्या कुछ भी नहीं उनसे कोई मतलब नहीं फिर भी उनको उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होती है। ये कैसे पता चला? जैसे कहते उपास्य का अर्थ इसे ही लिया है अन्यत्र भी इष्टा पूर्ते दत्तमित उपास्य अगले ही मंत्र में आप 5:10:2 पढ़ रहे हो 5:10:3 में आने वाला है इष्टा पूर्ते दत्तमित उपास्य मतलब क्या? इष्टवान इष्ट का इष्टात्मक कर्म वाला दत्तात्मक कर्म वाला है ना और पूर्तात्मदत्त कर्म वाला इन कर्मों को ही परम श्रेष्ठ साधन मानने वाला ऐसा करेंगे आगे वही प्रश्रुति ही ऐसा आगे भी कर रही है। अतः यहाँ पूर्व में भी वैसे ही उपासना का अर्थ लेना श्रद्धा की उपासना करते हैं ऐसा अर्थ नहीं करते। श्रद्धा को ऐसा है कि उपासी तत्व है तब कोई उपासी तत्व है क्या? ब्रह्म है परमात्मा है विष्णु राम कृष्ण ये सब जो सगुण साकार कोई तत्व विशेष है उनके जो लीला है महिमा है सब कुछ है वो तो उपास्य हो सकते हैं और श्रद्धा की क्या उपासना करो? श्रद्धा की जाने वाली वस्तु है उपास्य के प्रति और श्रद्धा खुद उपास्य नहीं होती। उपास्य की उपासना का साधन है श्रद्धा स्वयं श्रद्धा उपास्य नहीं हो सकती। इस श्रद्धा उपासित है तब उपास्य अर्थ श्रद्धा की उपासना करता है और श्रद्धा उपास्य है ऐसा अर्थ घटाना उचित नहीं है। अतः उपासित का अर्थ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? श्रद्धावान सन स्वर्ण ब्रह्मादि की उपासना करता है तपवा तपस्वी होकर के स्वर्ण ब्रह्मादि की उपासना करता है ऐसा ही अर्थ लेना होगा। जैसे आगे आप लेते हैं कर्मवान होकर के वो अपना कर्म कांड को इष्ट पूर्ता दत्त कर्मों में ही परम श्रेय का साधनत्व को स्वीकार करने वाला इन कर्मों को करता है ऐसा अर्थ जैसे आगे लिया जाएगा उसी प्रक्रिया पर भी। इतना ही नहीं श्रुत्यंत्राच श्रुत्यंत्र से एक और बात जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर ये च सत्यम ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यम उपासते ते सर्वे अर्चिषम अर्चिराभिमानीम देवताम अभिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मण्य के 6:2:15 श्रुत्यंत्रात् तात्पर्य नीचे दिया टिप्पण में 6:2:15 इस ब्रह्मण्य श्रुति के आधार पर आपको करना ये क्या क्या गाना पड़ेगा तो सत्य ब्रह्म अर्थात सत्यम ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यम उपासते सत्याख्य जो ब्रह्म जिसका दूसरा नाम हिरण्यगर्भ उसकी उपासना करने वाले जो लोग हैं ते अपि सर्वे अर्चमन अर्चराभिमानी देवता संभवन्ति प्रतिपद्यन्ते। ये वो लोग हैं जो पंचाग्र वित्ता नहीं है गृहस्थ है किंतु सत्य ब्रह्म रूप हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहे हैं बाकी सब तो आ ही गए इसमें वारण्य वान प्रतिपारिराज नैचे ब्रह्मचारी सत्य ब्रह्म की उपासना कर ही रहे हैं और वो तो कर्मकांड तो करते भी नहीं उन्होंने कर्मकांड के अधिकार से रह चुके हैं वो त्याग चुके हैं वो कर्मकांड ही नहीं है। हाँ ये सब तो लोग तो सत्य ब्रह्म उपासक तो ही इसलिए ये जो अलग करे श्रुत्यंतरात करके ये गृहस्थों में जो पंचांग विद्या को नहीं जानता वो भी उत्तरायण मार्ग का आयोजन कर सकता है यदि वह सत्य ब्रह्म की उपासना करता है तो। हाँ सगुण ब्रह्म वो तो हम लोगों ने कहा था श्रुति से नहीं यहां श्रुति प्रमाण से श्रुत्यंतरात इनको भी आप जोड़ी शास्त्रार्थ में कह दिया था भाष्यकार ने शास्त्रार्थ में अपना जवाब देते समझा दिए लेकिन उसके श्रुति प्रमाण से साबित उसको यहाँ जोड़ना चाहिए। देवताम अभिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते नीचे दिया श्रद्धां सत्यम इति उपासते इति श्रुत्यंत्र आंधी में वो श्रुति भी दिखा दिया
श्रद्धां सत्यम इत्युपासते इति श्रुत्यंतराम तस्माद् इति शेषः समानं मन्यत। बाकी इस मंत्र का अर्थ अर्ची से क्या हो गया, वो दिन अग्नि का दिन से शुक्ल पक्ष इत्यादि इत्यादि जो है ना उसकी व्याख्या नहीं कर रहे, ये सब की व्याख्या हम लोग पहले ही चतुर्थ गति व्याख्या चौथे अध्याय पंद्रहवें जो है आपका ब्राह्मण के पांचवा छंदोग में विचार हो चुका है। 305 और 306 पृष्ठ है इस पुराने कैलाश के प्रकाशन में। एष देवयान अपंता व्याख्यात सत्य लोकावसानो नांडा बही। और ये जो देवयान मार्ग है ना ये सब वैराग्य अर्थ था ना, इसलिए याद दिला रहे हैं। ये जो व्याख्यात देवयान मार्ग है सत्यलोक रूपी अवसान पर्यंत है, नांडा बही ब्रह्मांड से बाहर नहीं, अर्थात मोक्ष का प्रसंग नहीं है। ये सब उपासना कर लो, कुछ भी कर लो, आपको भले इस मनमंत्र में ना आना पड़े, अगले मनमंत्र की सीट बुकिंग रहेगी, आना तो पड़ेगा ही। इसीलिए एकादश सकाम ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति पर्यंत की भी किसी भी लोक की कामना किए बिना व्यक्ति को उपासना अंतत्व शुद्ध मात्र के लिए करनी चाहिए, ताकि तद द्वारा वह ज्ञानानुभूति कर मुक्ति को प्राप्त कर सके। इसलिए संकेत कर रहे हैं कि जो कुछ है लोक गति ये सब कहा है, यद अंतरा पिद्रम मात्र मंत्र वर्णात उपनिषद मंत्र भी दिया पूरा पूरा नीचे 6:2:2 पूरा मंत्र नीचे दिए हैं। यदि नरशेर वचः श्रुतम, यदि इस ऋषि के वचन को नहीं सुना है, अर्थात वेद के वचन को सम्यक प्रकार से श्रवण नहीं किया, द्वे श्रुति अश्रणवम, ऐसे लोगों के लिए मैं दो मार्ग को सुना है, एक पितृणाम अहम देवानाम उतमर्त्यनाम, एक तो पितरायण पितृ मार्ग है, दूसरा देवयान मार्ग है, और इन समस्त मर्त्यों के प्रति ऐसा होता है, दो मार्ग मैंने सुना है, अहम अश्रणवम मर्त्यानाम प्रति द्वे श्रुति अस्तीति अहम अश्रणवम केते पितृणाम देवानाम चेति ताभ्याम इदं विश्वम एजत समेति। और इस प्रकार से इन दो मार्गों के माध्यम से विश्व में गमनागमन करता हुआ समेति यदंतरा पितरम मातरं चेति, जिसके माध्यम से वापस पिता माता के बीच में लौट जाता है। अथवा पिता है आपका ऊपर के लोग, माता है नीचे के लोग, इन्हीं लोगों का बीच है वो दौड़ते रहता है। अतएव संसार गति ही है इन सारे प्रकार के उपासनाओं की, सब प्रकार का जितना भी है, जब तक सकाम करते रहोगे सब इसी तरह से रहेंगे। बात सुन लिया। ओम नमः।